महाराष्ट्र के अमरावती जिले में महिला सरकारी अस्पताल के बेबी केयर सेंटर में अचानक आग लग गई। अस्पताल में एनआईसीयू में रविवार को आग लगने की घटना के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए 12 शिशुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी। शुरुआती जांच में वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने बच्चों को सुरक्षित एनएसयूआई से निकाल लिया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने नवजात आईसीयू से धुआं निकलते देख तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। फौरन दमकल की टीम वहां पहुंची। समय रहते 12 नवजात शिशुओं को सुरक्षित बचा लिया गया, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। सकाळच्या वेळेस डॉक्टरांनी सिस्टर ग्राउंड मध्ये असताना पेशंट तपासत असताना एका व्हेंटिलेटर मशीन मध्ये छोट्या प्रमाणात आग लागली, तर उपस्थित डॉक्टरांनी सिस्टरांनी लगेच ती तातडीनं आग विझवली आणि व्हेंटिलेटरवर जे बेबी होतं त्याला शिफ्ट केलं। बाकी सगळे बेबी आपण शिफ्ट केलेले आहेत। आग ही होती तातडीनं नियंत्रणात आणलेली आहे। एकाच जागी एका इन्स्ट्रुमेंट पुरतीच होती, बाकी कुठं स्प्रेड नाही झालेली आणि त्यापैकी आपण काही बेबी मग इमिजिएटली शिफ्ट केलेले आहेत।